साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए सेशन में। आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 36 करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सेशन, पहला क्वेश्चन। बाघलता की गुफा झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो यह जिला है सिमडेगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस किस व्यक्ति को संथालों का देवदूत कहा जाता है? किस किस व्यक्ति को, अरे सॉरी गलत है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को संथालों का देवदूत कहा जाता है, क्वेश्चन ये होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एंड्रयू कैंपबेल। तीसरा प्रश्न है, वंशीधर मंदिर नगर उंटारी निम्नलिखित में कहां पर स्थित है? तो यह गढ़वा जिले में स्थित है। चौथा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बिहार से सटे हुए झारखंड के जिलों की संख्या बताएं कितना है। तो टोटल 10 जिले हैं जो झारखंड और बिहार की सीमा में सटे हुए हैं, यानी सीमा बनाते हैं। पांचवा प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस जिले में केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो यह दोस्तों धनबाद में है, जो मेरा शहर है। और ये जो 10 जिले हैं, 10 जिले कोई बता सकता है क्या कमेंट में, बताइए ना प्लीज 10 जिले। छठा नंबर प्रश्न है, झारखंड राज्य का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? तो यह खूंटी जिला होगा जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा नहीं बनाता है। देखिए रांची बनाता ही है, रामगढ़ भी थोड़ा सा बनाता है, बोकारो भी बनाता है, तीनों बनाता है। हेलेन सोय किस खेल से संबंधित है? हेलेन सोय जो है हॉकी खेल से संबंधित है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम किस जिले में अवस्थित है? तो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो जिले में अवस्थित है। स्वर्ण रेखा नदी पर बने हुए जलप्रपात की ऊंचाई कितने फीट है? तो यह फीट जो है दोस्तों 320 जो क्लोजेस्ट है, 320 कहीं 322 भी मिलेगा ना तो 322 भी मारिएगा। वैसे झारखंड टूरिज्म की वेबसाइट में 322 फीट है, ठीक है। और दसवां प्रश्न, निम्न में से दौना नदी, पुसरो नदी, भामरी, धोवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यह मयूराक्षी नदी की सहायक नदी है। 10 प्रश्न होता है समाप्त। दोस्तों आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक है, उस टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको PDF मिल जाएगा इसका। 11वां प्रश्न भारत के किस राज्य को रत्न गर्भा के नाम से जाना जाता है? तो यह झारखंड हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल साक्षरता दर कितनी है, कितना प्रतिशत है? और 66.4% होगा। शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में है? तो यह रांची जिले में है। हरी पहाड़ी नामक झील झारखंड राज्य के किस अभयारण्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा तोपचाची अभयारण्य, जो धनबाद जिले में है। झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कोयल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? यूडिनेमिस स्कोलोपेसियस। रांची में साइमन कमीशन का विरोध किसके नेतृत्व में किया गया था? एसके सहाय, ऑप्शन नंबर बी। धुमकुड़िया क्या है? युवा गृह है संथालों का, क्या सॉरी उराव का है। शरत चंद्र राय ने मुंडाज एंड देयर कंट्री नामक पुस्तक किस वर्ष लिखी है? तो यह 1912 में लिखी है। शरत चंद्र राय ने मुंडाज एंड देयर कंट्री 1912 में लिखा गया है। इनमें से किसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में मिलता है? कोरांबे का। झारखंड में प्रसिद्ध टैगोर हिल डैश नाम से भी जाना जाता है, मोराबादी हिल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह मोराबादी में ही स्थित है टैगोर हिल। जावा पर्व कब मनाया जाता है? तो जावा पर्व जो है भादो में मनाया जाता है। एक्सलराई जमशेदपुर की स्थापना की थी, किसने की थी? सोसाइटी ऑफ जीसस ने। बेनीसागर का प्रसिद्ध शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो यह जो है पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। दीपिका कुमारी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था? वर्ष 2012 में, क्योंकि ये 12 में सबका 12 बजा दी थी, इसीलिए इनको अर्जुन पुरस्कार मिल गया। प्रेमलता अग्रवाल माउंट एवरेस्ट पर कब फतह की थी? तो प्रेमलता अग्रवाल जो है वह 2011 में की थी, वर्ष 2011 में।
यहां पे मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ सही है, प्रेम रत्ता अग्रवाल 2011 में की थी, परफेक्ट। ओके 26 नंबर, भूमिज विद्रोह के नेता गंगा नारायण सिंह खरसावा के किस शासक के सैनिकों के हाथों मारे गए थे? चेतन सिंह, छोटा चेतन। झारखंड के लिए पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम किस संस्था ने की थी? ये तो आप सभी को पता, छोटा नागपुर उन्नति समाज ने की थी। नेतरहाट विद्यालय नेतरहाट की स्थापना किसने की थी? तो ये चार्ल्स नेपियर ने की थी। 29 नंबर, 1914 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? ताना भगत आंदोलन। और 30वां प्रश्न है, रामगढ़ एवं हजारीबाग में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 जुलाई 1857। दोस्तों 30 प्रश्न होता समाप्त। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर भी करना बहुत जरूरी होता है, शेयर भी कर दीजिए। मैं स्टैटिक्स देखता हूँ गूगल एनालिटिक्स में, तो शेयर जो है ना बहुत बहुत मुश्किल से शेयर होता है, कोई शेयर ही नहीं करते हैं। शेयर कीजिएगा तब तो व्यूज बढ़ेगा, व्यूज बढ़ेगा तब तो हम और आज ही खत्म कर देंगे पूरा 50 सेट। तो कीजिए कीजिए। 31 नंबर, उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? उत्तरी कोयल जो है वो सोन नदी की सहायक नदी है। 32, झारखंड को भारत के कलात्मक नक्शे पर महत्वपूर्ण स्थान दिलाने वाले चित्रकार हरेन ठाकुर कहाँ के रहने वाले हैं? जैसे मैंने वो लास्ट वाले सेशन में एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, ये क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ आपके लिए छोड़ दूं, ठीक है? हरेन ठाकुर कहाँ के रहने वाले हैं, ध्यान से क्वेश्चन देखिए, कहाँ के रहने वाले हैं, मतलब अभी कहीं भी रहे उससे मतलब नहीं, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा 32 नंबर का, ठीक है? ठीक है, देखता हूँ कौन कितना पढ़ते हैं और ऑप्शन के अनुसार क्या करते हैं खेला। 32 नंबर मुझे पता है, ये मत समझिए कि मुझे आंसर नहीं पता है, आंसर पता है, लेकिन आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ हरेन ठाकुर कहाँ के रहने वाले हैं। साहेबगंज जिले की स्थापना कब हुई थी? 1983 में। तिलैया बांध किस जिले में स्थित है? कोडरमा जिले में। जदूर नृत्य किस अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है? तो जदूर नृत्य दोस्तों सरहुल के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है। 36 नंबर, झारखंड सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 22-23 का क्या थीम था? विकास मूल मंत्र आधार लोकतंत्र। और 37वां नंबर, झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री है ये मिथिलेश कुमार ठाकुर, ठीक है? अब ये बादल, श्री प्रकाश बादल जो है अब ये मंत्री नहीं रहे। सत्यानंद भोक्ता जो श्रम मंत्री है, बन्ना गुप्ता जो है ये स्वास्थ्य मंत्री है। वाइल्ड लाइफ एंड क्लाइमेट चेंज कोर्स की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, सॉरी किस विश्वविद्यालय में की गई थी? तो रांची विश्वविद्यालय। झारखंड सरकार कुपोषण से निपटने के लिए निम्न में से कौन सा अभियान शुरू किया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों समर अभियान शुरू किया गया था। समर का फुल फॉर्म कमेंट करके बताइए क्या है, कुपोषण से निपटने के लिए यह अभियान है। निम्न में से किस तिथि को संपूर्ण देश भर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा? 15 नवंबर को। ये दोस्तों 40 प्रश्न होता है, फिनिश। अब ये वाला इधर वाला भी आपको फटाफट दिखाई देते हैं। झारखंड में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा एवं ऊंचा, सर्वाधिक प्रदूषित नदी दामोदर, बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली एकमात्र नदी स्वर्णरेखा नदी, एकमात्र नौका गम्य नदी मयूराक्षी नदी, मार्ग बदलने हेतु कुख्यात नदी सकरी नदी, प्राचीनतम जनजाति असुर सॉरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति संथाल, आठवीं अनुसूची में शामिल एकमात्र जनजातीय भाषा कौन सा है? संथाली वर्ष 2003 में हुआ था। नवीनतम अधिसूचित जनजाति जो है कोल 32वीं, हालांकि अब 33 भी आ गया बहुत सारे बुक में है शायद, क्या नाम है कोरवा कंवर, क्या नाम है पुरान तो वो भी हो सकता है, यहाँ पे ऐड हो सकता है। सबसे ऊंचे स्थान पर विद्यालय नेतरहाट विद्यालय, नेतरहाट लातेहार में जो है। राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान, एवरीबडी नोज अबाउट दिस। नेक्स्ट,
राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? पलामू वन्य जीव अभयारण्य है। राष्ट्रीय स्तर का पलामू वन्य जीव अभयारण्य मान सकते हैं, ऐसे बेतला राष्ट्रीय उद्यान होना चाहिए, बट पलामू भी बहुत ही टाइगर रिजर्व है ना, ये भी बहुत फेमस है। सबसे बड़ा अभयारण्य पलामू अभयारण्य। सबसे उत्पादक फसल, सर्वाधिक उत्पादक फसल धान सबसे ज्यादा उपाया जाता है झारखंड में। मक्का उत्पादक जिला पलामू में सबसे ज्यादा मक्का होता है। गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ होता है? गेहूं भी पलामू में होता है। कुमो द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला, कुमो द्वारा गुमला, गुमला में कुआं से ज्यादा सिंचाई होता है। नेक्स्ट है तालाब से सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ पे होता है? देवघर में। नलकूप से सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ, कौन सा जिला में होता है? लोहरदगा में। काइनाइट का सर्वाधिक भंडार कहाँ पे है दोस्तों? सिंघभूम में जिला में, लिप्साबुरु में। लिप्साबुरु में काइनाइट सबसे ज्यादा मिलता है। सर्वाधिक कोयला उत्पादन कहाँ होता है? झरिया धनबाद, पावर सिटी। सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH20। सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH20 6 जिले से गुजरता है। केवल झारखंड में विस्तृत राष्ट्रीय राजमार्ग NH20 सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग SH स्टेट हाईवे 24। कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह बोकारो ताप विद्युत गृह। गैस टरबाइन पर आधारित एकमात्र विद्युत उत्पादक केंद्र मैथन जल विद्युत केंद्र। एकमात्र छावनी रामगढ़ छावनी बोर्ड। सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल उत्तरी छोटानागपुर, 7 जिला है यहाँ पे। सर्वाधिक प्रमंडल प्रखंड वाला जिला प्रखंड पलामू, 21 प्रखंड है पलामू में। सर्वाधिक राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय बरामबे रांची में है ये। तो ये जो है होता है 36 नंबर खत्म, देखिए 37 रेडी है आपके लिए, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तब तो मैं करूंगा आगे आपके लिए। चलिए ओके, थैंक यू।